दोस्तों भारत में जो काम लोग अकेले में करते हैं लेकिन उन्हीं कामों को विदेशों में खुलेआम किया जाता है, लेकिन इन्हीं देशों में मौजूद जापान एक ऐसा देश है जिसमें इन कामों को खुलेआम किया जाता है। दोस्तों वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के सभी देशों से ऊपर है, इसीलिए यहाँ के लोग वो हर काम कर पाते हैं जिसके बारे में हमारे भारत देश के लोग शायद सोचते ही रहते हैं। इसीलिए आज हम आपको जापान में होने वाले ऐसे कामों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में भारत में सोचना भी नामुमकिन है। दोस्तों ये वीडियो कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन फिर भी दोस्तों आप ये सोचने की कोशिश कीजिए कि आखिर इन कामों को भारत में क्यों नहीं किया जा सकता जबकि जापान के लोग इन कामों को खुलेआम ही कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ लगे बेल के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट कर लें। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको। दोस्तों आप लोग कभी ना कभी रेल का सफर तो करते ही होंगे और आप लोगों ने भीड़ की वजह से ट्रेन में धक्के भी खाए होंगे, लेकिन जापान में कुछ अनोखा ही होता है। दोस्तों आपको एक बात बताएं, जापान की ट्रेन कभी लेट नहीं होती क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण वहां के लोगों की समझदारी है, क्योंकि जापान में स्टेशन पर लोगों को धक्के मारकर ट्रेनों में चढ़ाया जाता है ताकि ट्रेन समय पर चल सके। इसके लिए जापान में बाकायदा धक्का देने के लिए कर्मचारियों को रखा जाता है और इन्हें एक अच्छी सैलरी भी दी जाती है। दोस्तों जरा आप सोचिए कि अगर हमारे भारत में ऐसी नौकरी मिलने लग जाए तो कैसे इस काम को पाने के लिए लोगों की लाइन लग जाएगी। दोस्तों आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जापान के स्कूलों में कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं होता क्योंकि यहाँ पर स्कूल की सफाई के लिए अध्यापक और बच्चों को ही लगा दिया जाता है। यहाँ पर बच्चों को शुरू से सिखाया जाता है कि वो अपनी जगह को अपने आप ही साफ करें जिससे कि सफाई को बढ़ावा मिल सके। लेकिन दोस्तों हमारे भारत के लोगों की सोच इसके उलट है और वो अपने आप किसी भी जगह की सफाई करने में शर्म महसूस करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि सफाई कर्मचारी को भी हमारे देश के लोग अच्छे ढंग से नहीं बुलाते हैं। इसके अलावा माँ बाप अपने बच्चों को इतना भी नहीं सिखाते कि वो अपने कमरे और अपने सामान की खुद सफाई कर लें। दोस्तों हमारे देश में आए दिन अखबारों में चोरी की खबरें फ्रंट पेज पर लगी हुई आसानी से मिल जाती है, लेकिन दोस्तों जापान के लोगों को पता ही नहीं है कि चोरी आखिर चीज क्या है। हमारे देश में अक्सर लोगों को अपने सामान के खो जाने या चोरी हो जाने का डर लगा रहता है, लेकिन अगर जापान में कोई भी चीज कहीं पर भूल जाते हैं तो अगले दिन वो वहीं पर पड़ी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों भारत में ऐसा नामुमकिन है। अगर आप जापान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं तो आपको वहां पर कड़े नियमों का पालन करना पड़ेगा। यहां पर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, मेट्रो, ट्रेन, टैक्सी आदि में अगर फोन पर बात करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको मोटा जुर्माना देना पड़ता है। लेकिन अगर आप वहीं भारत में देखें तो लोग सबसे ज्यादा ड्राइविंग करते वक्त ही फोन पर बात करना पसंद करते हैं क्योंकि हमारे लोगों को अपनी जान से ज्यादा फोन पर बात करना जरूरी होता है। दोस्तों जापान के लोग बहुत ही ज्यादा हाइजीनिक होते हैं और वो हर जगह सफाई रखना बड़ा पसंद करते हैं, इसलिए जापान में चलने वाली टैक्सियों के दरवाजे भी ऑटोमेटिक खुलते हैं क्योंकि जापानी लोग इन दरवाजों को छूना भी पसंद नहीं करते। और वहीं हमारे भारत में सड़क व्यवस्था को लेकर लोग परेशान रहते हैं, वहीं जापान में पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी एक अलग अलग लाइन है। दोस्तों हमारे भारत जैसे देश में लोग पब्लिक टॉयलेट के पास जाना भी पसंद नहीं करते, वहीं जापान में पब्लिक टॉयलेट बहुत ही साफ सुथरे होते हैं। जापान में टॉयलेट सीट भी ऑटोमेटिक होती है और इस पर लगे हुए बटनों की वजह से इसके टेम्परेचर को एडजस्ट करने की भी व्यवस्था होती है ताकि सर्दियों में टॉयलेट सीट पर बैठते समय किसी को तकलीफ महसूस ना हो। दोस्तों इस वीडियो में हम अपने देश की बुराई नहीं कर रहे बल्कि आपको उन बातों से रूबरू करवाना चाह रहे हैं जिन बातों की वजह से हमारा भारत पीछे रह चुका है और दूसरे विदेशी लोग बड़ी तरक्की कर रहे हैं। दोस्तों आप इस बात से कितना सहमत है कमेंट करके बताना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और साथ ही दोस्तों हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। साथ ही दोस्तों इसे नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही लगे बेल के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट भी कर देना।